हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त साजिद। ये मेरा न्यू ब्लॉग है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ठीक हो गया। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो इसी के साथ चालू करता हूँ न्यू वीडियो। तो आज हम बना रहे हैं दोस्तों एक न्यू डिजाइन। डिजाइन का नाम है कनाडा के पत्ते। अब हमने ये फोटो स्टेट की दुकान से कॉपी करवाई है, नेट से निकला के और इस पर चिपकाया है। अब हम ये प्लास्टिक लिया है। अब इस पर बताओ पेपर चिपकाया, कटिंग करेंगे कटर से। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कटिंग करते हैं। तो दोस्तों हमें एक कटर लेना है, अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी का, और धीरे धीरे ये पत्ता चिपका इस पर कटिंग करना है उसी एंगल में। ध्यान रखना हाथ का आपके, कि हाथ ना कटे। धीरे धीरे करते रहिए करते रहिए। उंगलियों का ध्यान रखना, आपकी उंगली नहीं कट जाए। बंद कर लेते। तो दोस्तों देखिए हमारा प्रिंट हमने काट चुके हैं। अब हमें इस पर कलर लगाते हैं, पता कलर कैसे लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये अपन को इस प्रकार से लगाना है फर्मा, और रोलर ये लेना है 6 इंच वाला, और यूं लगा के धीरे धीरे रोलर को यूं चलाना है। ये अगर अंदर कलर भी आएगा कोई बात नहीं है, बाद में चेक कर लेंगे। ये धीरे धीरे चला के और धीरे से हटाना है। ये देखिए कैसी मस्त, ऐसे ही हर स्टेप को आपको ऐसे करनी है। अब आपको एक हेल्पर साथ रखना। अगर आपके पास हेल्पर नहीं हो तो अपने वो एमरोड टेप वाली चार वो यूं लगा के और चिपका देनी है। और एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, एक बार लगाओगे तो आपको ये एक बार लेके फिर दूसरी बार ये फर्मा नीचे रखना है किसी चीज पर, और जिस तरफ दीवार पर लगाओगे उसी तरफ से साफ करना पड़ेगा फर्मा। अगर कहने का मतलब ये है कि फर्मा अगर अपन ने ऐसे साफ नहीं करा और दीवार पे लगा जाए वो पेंट पर वापस दूसरा अच्छा नहीं लगा लग जाएगा दीवार पे, तो फर्मा अपन को हर बार यू लेके ये साफ करना है। ये साफ कर दिया फिर वापस रोलर लिया, यू गए दूसरी स्टेप पार करनी है अपन को। लगाया ये ऊपर और ये धीरे धीरे मैं तो बिना हेल्पर ही कर सकता हूँ काम, पर आपको पता नहीं है किसको साथ रखा हमने। ये देखिए दोस्तों ऐसे। तो दोस्तों देखिए एक फूल अपन को ऊंचे रखना, एक पत्ता एक नीचे रखना। जैसे ये ऊंचे रखा तो अपन को वापस ये नीचे रखना, ऐसे के ऑपोजिट। और ये कम से कम 6 इंच का गैप देना ही है। अब 6 इंच का गैप दे दिया और रोलर हर बार 2 पत्ती बनाओ, उसके बाद इसमें पेंट लो। अगर आपने रोलर में ज्यादा पेंट ले लिया और लगाया तो बेके नीचे चला जाए कलर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जैसे मैंने एक बार कलर लिया, धीरे धीरे ज्यादा भी दम लगा के नहीं चलाना, जो कलर आ गया अंदर आ जाता है। ये बारीक डिजाइन भी बहुत दिक्कत का काम है, तो इन चीज का आप ध्यान रखिए। और 2 पत्ती बनाए तो एक बार रोलर धो लिया। ये देखिए हो गया, फर्मे को साफ करना एक बार और ऐसे ही। तो दोस्तों देखिए अपने राहुल भाई भी डिजाइन डालते हुए, इनको बस शौक है, इनको बहुत खुजली हो रही है कि मैं भी डिजाइन डालू। मेरे को डालो, बिगड़ेगी तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए डिजाइन कैसे बनाते हैं, देखते हैं। राहुल भाई अच्छी बना डिजाइन, देखते हैं कैसे डिजाइन बनाते हैं ये। हाँ कोशिश करो, कोई नहीं है, बिगड़ के अपन संभाल लेंगे धीरे धीरे। पीछे से लेके आगे फिरो, यहाँ से यूं फिरो, अब फिरो यूं, समझ गए, नीचे मत जान दो, फिर करो धीरे धीरे। अच्छे तो बनेगी राहुल भाई, कैसे डिजाइन विजाइन तो बिगड़ेगी नहीं यार। राहुल भी कारीगर है यार, गवर्नमेंट अफसर है, क्या टेंशन है, सिंगम है, सिंगम अपने। हाँ बनाओ राहुल भैया, हटा ना, बन गए बन गए। ये देखिए दोस्तों राहुल भैया ने पूरी डिजाइन तैयार कर दी है, और ये मेरे दोस्त भी साथ हैं इनके हेल्प करवाते हुए। देखते राहुल भाई ने डिजाइन कैसी बनी है, अच्छी बनी है, यूं नहीं आएगा, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। राहुल भैया तो देखना ये खुश हो गया, बेकार बनी है। तो दोस्तों देखिए अपन को डिजाइन बने तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि 6-7 इंच का गैप रखना और ऑपोजिट रखना, सब एक जैसे नहीं, इस तरफ सब इसी, ये मुंह ये सब इस तरफ गया, ऊपर नीचे आगे पीछे अपने हिसाब से लगो, अलग अलग लगो, एक दूसरे से मिलते अच्छे नहीं लगते। एक वो हो चल जाए, मतलब हो तो अच्छे नहीं लगते, धीरे धीरे देखिए और आराम से बनाएंगे, ठीक है। ले 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 ले। तो देखिए दोस्तों पूरी वॉल रेडी हो चुकी है, अब थोड़ी बहुत अगर ये मिस्टेक है
तो ये हम कल निकालेंगे कलर की टचिंग, बाकी पूरी डिजाइन फाइनल हो गई है। अगर हमारा आपको काम बिल्कुल पसंद थोड़ा बहुत भी आया हो तो लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।